वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष शर्मा। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी मेला शुरू हो चुका है, जिसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। एक तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक भी सूची जारी नहीं की और दूसरी तरफ बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि 15-18 दिनों बाद बीजेपी की एक तीसरी सूची जारी होगी, जिसमें और चौंकाने वाले जो है नाम हमको सामने आएंगे और हमको ऐसे नाम देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पिछली दूसरी सूची में, बीजेपी की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों के नाम थे। 7 सांसदों को अब बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ाएगी, जिसके अंदर 3 केंद्रीय मंत्री थे और एक बीजेपी का एक बेहद ही पॉपुलर चेहरा, जो एक काफ़ी पॉपुलर चेहरा बीजेपी में माने जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उनको ही बीजेपी इंदौर एक से चुनाव लड़ा रही है, विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। और अगली जो तीसरी सूची जो अब बीजेपी की जारी होने वाली है, जो बताया जा रहा है कि 15-18 दिनों में बीजेपी की तीसरी सूची जारी होगी, उसके अंदर सांसद सुधीर गुप्ता का भी नाम हो सकता है। जी हाँ, सांसद मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता का भी नाम तीसरी सूची में आ सकता है और बीजेपी उनको भी मनासा मंदसौर या रोड से विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। इन तीनों सीट में से किसी भी सीट पर बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता को उतार सकती है और ये रणनीति बीजेपी ने केवल इसलिए बनाई है ताकि जो आसपास के जो क्षेत्र है उन पर भी बीजेपी का प्रभाव खास कर रहे। और साथ ही आपको बता दें कि सांसद सुधीर गुप्ता बीजेपी में एक बड़ा नाम माने जाते हैं, जिसके साथ ही सुधीर गुप्ता गृह मंत्री अमित शाह के भी बेहद खास है और गुजरात चुनाव में उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया था और बीजेपी के वे राष्ट्र से कोष अध्यक्ष भी माने जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सांसद सुधीर गुप्ता इस बार मनासा मंदसौर और गरोट से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है।